सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर को लेकर बात करेंगे वो लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इस शेयर के अंदर आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप करेक्शन हमें दिखाई दे रही है, पर डे स्टॉक में एलसी पर एलसी लग रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं क्या इसमें तेजी बन पाएगी या फिर नहीं, या फिर ये शेयर हमें जो है बर्बाद करने वाला है। देखो भाई, जब स्टॉक में रैली बनी थी क्वार्टर वन से पहले, ठीक है, ये शेयर 50 रुपये के ऊपर में था, तभी आपको बोला था कि भाई देखो स्टॉक में जो तेजी बन रही है अच्छी बात है, सभी को अच्छा लगता है स्टॉक में अगर रिटर्न मिलता है, रिटर्न के लिए से भी आते हैं, ठीक है। अगर हर कोई ये सोचकर आए कि हमें लॉस हो तो वो कौन मार्केट में पैसा लगाएगा भाई, सभी पैसा बनाने के लिए मार्केट में आते हैं। तो पैसा बनाएगा ये शेयर आपका, ये भी अच्छी बात थी, लेकिन जिस हिसाब से बना रहा था ना भाई, उस टाइम की बात करें जब 50 रुपये के ऊपर में आया हुआ था, वो थोड़ा सा एक गलत तरीका था, ठीक है। स्टॉक की एक्चुअल में जो प्राइस होना चाहिए था वो 40 रुपये के आसपास, मैं आपको बहुत टाइम पहले बोल चुका था कि 40 रुपये के आसपास इसका प्राइस होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, 40 से ऊपर में ये ओवर वैल्यूड है और इसका पी रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, इसलिए उसका इक्वल एक अच्छी रेंज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए स्टॉक में गिरावट हो रही है। और यहाँ से आप लोग देखोगे कंपनी जो राइट इशू लेकर आएगी ना, वो भी आप लोग देखोगे कम प्राइस पर लाएगी, तो अच्छे वैल्यूएशन पर लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस शेयर के अंदर ये राइट इशू से पहले हमें करेक्शन दिखाई दे रहा है। इस गिरावट को लेकर देखो भाई, जो भी निवेशक पहले निकल गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे निवेशक ऐसे जो लालच करके बैठे रहे या फिर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो हमारा, तो इन सबको देखते हुए आपको एक ही बात बताते हैं यहाँ से कि इस शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठी अभी जिन्होंने 50 के ऊपर में स्टॉक को नहीं बेचा है किसी कारण, अब तक नहीं बेचा है, अब तो लॉस में भी देखो भाई, अब अगर लॉस में बेचोगे तो क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो इसलिए अब स्टॉक जैसा वैसा रखिए। इस शेयर के अंदर हमें एक अच्छा मौका मिलेगा, जब इसके रिजल्ट आए थे उस दिन भी आपको बोला था कि स्टॉक से देखो आगे चलना आपकी मर्जी है, और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपको जो है अभी एसएल वगैरह पुट करके चलना चाहिए, ये मैंने आपको बोला था उस टाइम। अगर आपने वहाँ पर मेरी बात मानकर एसएल वगैरह लेके चले होते तो आज आपको इतनी बड़ी जो करेक्शन स्टॉक में आई है ना अपने हाई से, वो देखने को नहीं मिलती। 59 रुपये का हाई था आई थिंक इसका, 58 रुपये का, वहाँ से स्टॉक नॉन स्टॉप टूट रहा है। और एएसएम की मैं बात करूँ तो 7 तारीख को आपने देखा होगा एएसएम की फोर्थ स्टेज में शेयर गया, वहीं से 7 तारीख से आप लोग देखोगे जिस दिन इसके रिजल्ट आए उस दिन शेयर 10% टूटा, उसके अगले दिन रिजल्ट का थोड़ा बहुत असर स्टॉक के ऊपर रहा और 5-6% स्टॉक में तेजी बनी, फिर उसके बाद तो भाई पूरा काल चक्र स्टार्ट हो गया, एलसी पर एलसी, और ये एलसी लगते लगते आज जो शेयर है वो 45.5 के आसपास आए हुए हैं, और वॉल्यूम जो आज लगी है 4.9 या लगभग 49 लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम भी आई है, क्योंकि सुबह आप लोग देखोगे स्टॉक में अप एंड डाउन होते हुए नजर आया था, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर के ऊपर सेलिंग प्रेशर और स्टॉक सीधे एलसी में लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो ना अभी 160 के आसपास गया हुआ था ना, अब आप लोग देखोगे 123 पर आ गया पी रेशो, ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छी रेंज में आ जाएगा। आरएसआई एमएफआई आप लोग देखोगे ये 60 पर आ चुकी है, ये भी अच्छी रेंज में आ चुकी है, लेकिन जो इसका पी है वो थोड़ा अभी भी हाई है, ठीक है, हाई इन इंडस्ट्री, तो थोड़ा हाई चल रहा है, थोड़ा और डाउन आएगा तभी बात मानेगी। तो यहाँ पर जो भी गिरावट के अंदर फंसा हुआ ना अभी देखो, ये मत पैनिक होकर, यहाँ पर मैंने आपको बोला पैनिक होगा अगर यहाँ पर बेचोगे ना माल तो आप ही का इसमें लॉस होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग बनाए रखिए, नीचे के लेवल पर एवरेज करने का मौका मिलेगा तो वो मौका हाथ से जाना चाहिए। और राइट इशू के ऊपर अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, जैसी राइट इशू के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट निकल कर आएगी, किस रेंज में ला रही है, 100 करोड़ का तो राइट इशू लेकर आएगी, 99 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, इतने करोड़ का राइट इशू लेकर आएगी जिसके अंदर आप लोग देखोगे प्राइस है, डेट है, वो अभी तक कुछ भी डिसाइड नीचे कंपनी द्वारा किया नहीं गया भाई, जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट निकल कर आएगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और वैसे भी कंपनी ने डिविडेंड जो अनाउंस किया था पीछे, ठीक है, वो दे भी दिया अभी पीछे कंपनी ने डिविडेंड दिया 4-5 दिन पहले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये शेयर यहाँ से आप लोग देखोगे 40 रुपये के आसपास अगर आपको मिले तो वहाँ से थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी स्टार्ट कर देना, ताकि आपका जो पीछे का हाई लेवल से आपने खरीदा ना उसका प्राइस मेंटेन हो सके, और फिर राइट इशू के बाद शेयर में एक अच्छी रैली बन सकती है। और ये शेयर देखो भाई जहाँ से टूटा ना उससे ऊपर भी जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।